हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी ताकतवर चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, उसे बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके पेट में जलन होती है, आपके हाथ पैरों में जलन होती है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब काम करते हैं तो उन्हें थकान हो जाती है, ये हर एक इंसान के साथ स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे महसूस हो रहा है कि आप आराम करके हटे हैं, यानी आपने पूरा रेस्ट लिया है, उसके बाद भी आपको थकान फील हो रही है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो चुकी है, यानी आप एनीमिक हो चुके हैं, बॉडी में खून की कमी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। इसमें बताई जाने वाली रेमेडी इतनी आसान है और इतनी ज़बरदस्त है। कारण उसके पीछे क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, शायद आप भी यही कहेंगे कि हम न्यूट्रिशन फुल खाना खा रहे हैं, कैल्शियम फूड भी है हमारे अंदर, आयरन भी हम ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी सभी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, थकान हो जाती है, हमारी बॉडी में भी खून की कमी हो जाती है। तो इसके पीछे काम क्या करता है? काम है हमारे पेट का। हमारा पेट यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अगर अपना काम सही से नहीं कर पाती, अगर बड़ी आंत और छोटी आंत अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही है, तो कितना भी अच्छा खाना हम खा लें, वो सब का सब वेस्ट है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होगा कि जितना भी हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी को लग पाए, कुछ ऐसी चीज़ों का भी साथ में हमें सेवन करना होगा। तो जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है। इसके अलावा अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही, तो ये अकेली चीज़ हमारी आंतों की कार्य क्षमता को भी बढ़ा देगी। तो जानते हैं इसे कैसे बनाना है और इसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोंद कतीरे में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम होता है, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से कैल्शियम भी मिल सके और जो आपकी आंतें अच्छे से काम नहीं कर पा रही वो भी कर सकें। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक चम्मच के करीब आपने गोंद कतीरा पानी में भिगो देना है। 3 घंटे के बाद वो एक जेल के रूप में तैयार हो जाएगा, एक दानेदार जेल के रूप में तैयार हो जाएगा। और सिर्फ आपने इसमें से दो चम्मच जो ये फुला हुआ गोंद कतीरा है, दूध में, नॉर्मल दूध में, ठंडे दूध में नहीं, नॉर्मल दूध में मिक्स करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 चम्मच से ज़्यादा एक गिलास में, यानी कि 250 ml दूध के अंदर आपने मिक्स नहीं करना। आप मिठास के लिए इसके अंदर मिश्री मिक्स कीजिएगा। इसके अलावा आप चीनी मिक्स नहीं करें, क्योंकि चीनी क्या करती है, चीनी और ज़्यादा नमक हमारे द्वारा खाए गए कैल्शियम और आयरन को बॉडी में एक वेस्ट चीज़ की तरह बाहर कर देती है। यानी जितना भी हम कैल्शियम या आयरन ले रहे हैं, वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है अगर हम किसी चीज़ के साथ चीनी या फिर नमक ले रहे हैं। तो इसीलिए आपने इस दूध के अंदर मिश्री ही मिक्स करनी है, चीनी या नमक ऐसी कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी। तो ये बहुत ही ताकतवर चीज़ तैयार हो गई। अगर आपके जोड़ों में कैल्शियम की कमी है, कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे लगता है कि हमारी हड्डियां ही कैल्शियम से बनी होती हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे खून के अंदर भी कैल्शियम होता है। जब हमारे खून के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हड्डियों से कैल्शियम को खींचने लगती है, जो कि खून की ज़रूरत को पूरा करता है, और हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ये पावरफुल चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लेना, सिर्फ 15 दिन ले लीजिए, काफ़ी होगा। 15 दिन के अंदर आपको अपनी बॉडी में चेंज दिखने लगेंगे, आपके अंदर जो थकान है, कमजोरी है, वो फील नहीं होगी। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके फायदे किन किन चीज़ों में इस ड्रिंक पीने के, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आपका BP हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके अलावा अगर आपके अंदर खून की कमी है, तो आपने इस ड्रिंक का सेवन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, यानी दोपहर के टाइम पे ज़रूर करना है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।